अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आए आपको सबसे पहले। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है जयेश और आज का हमारा टॉपिक है कि अपनी स्केल को कैसे बढ़ाएं, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा हाई स्केल पर गाएं। बहुत सारे कमेंट्स आते हैं मुझे जो कि बोलते हैं कि मैं हाई स्केल पर नहीं गा पाता, तो उसके लिए क्या करें, अपनी रेंज को ऊपर कैसे ले जाए और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से ऊपर के नोट्स कैसे लगाए। तो पहले तो मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूँ कि एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन होता है लोगों में कि जो हाई स्केल पर गा पाता है, ज़्यादा से ज़्यादा ऊंचा जाता है, वो ज़्यादा अच्छा सिंगर होता है, और जो नीचे गाता है वो इतना अच्छा सिंगर नहीं होता। जो अगर आप हाई स्केल पर नहीं गा पाते हो तो आप इतने अच्छे सिंगर नहीं हो, ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है, बहुत ही बड़ा मिसकंसेप्शन है, क्योंकि ऐसे बहुत ग्रेट सिंगर हुए हैं जो कि सिर्फ नीचे के स्केल में गाते हैं और बहुत खूब गाते हैं। जैसे जगजीत सिंह हो चुके हैं, बहुत नीचे के सुर में गाते थे वो और बहुत खूबसूरत गाते थे और वो बहुत ग्रेट सिंगर रहे। मुकेश थे, मुकेश के बारे में कहा जाता था, लता जी कहते हैं कि वो हाई स्केल पे इतना अच्छा नहीं गाते थे जितना लो स्केल पे गाते थे, लो स्केल पे उतने उनके जितना खूबसूरत कोई नहीं गा पाता था, ये लता जी ने कहा है। और मुकेश जी भी काफ़ी ग्रेट सिंगर है, तो अगर इसमें कोई सच्चाई होती कि आप सिर्फ ऊँचे स्केल पर अगर आप गाते हो तो ही आप अच्छे सिंगर हो, इसमें जो है कोई सच्चाई नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आप अपना स्केल बढ़ाना चाहते हो, हाई स्केल पर जाना चाहते हो, तो उसके लिए जो है आज का वीडियो है। मैं एक और बात कहना चाहता हूँ कि ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि आपका स्केल क्या है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि आपका स्केल क्या है, इम्पोर्टेंट ये है कि आपका रेंज क्या है। अगर आप बहुत ज़्यादा नीचे जा पाते हो और बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं जाते हो लेकिन आपके रेंज ज़्यादा है, जितने आप सुर लगाते हो वो ज़्यादा है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे सॉन्ग गा सकते हो। तो ये मैं एक इम्पॉर्टेंट बात कहना चाहता था। लेकिन अगर आपको अपना स्केल बढ़ाना है तो इसके लिए बहुत ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आप अच्छे ये भी जो है एक स्लो प्रोसेस है, ये जो है धीरे धीरे होता है, और इसमें कोई सच्चाई नहीं है कि अगर आपका एक स्केल है तो आप अपना स्केल जो है बढ़ा नहीं सकते और ऊपर के सुर लगा नहीं सकते, ये भी एक मिसकंसेप्शन है। तो आप कर सकते हो, तो इसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप जो भी अभी रियाज कर रहे हो, मानो आप सी में कंफर्टेबल हो, सी मेजर पे आप कंफर्टेबल हो, आप फिलहाल उस पर रियाज कर दो, तो पहले जो है आप इस सी पर पूरी तरीके से कंफर्टेबल हो जाओ। तो अगर आप सी अगर अपने सा पकड़े हैं रियाज करते वक्त और सी पे गाते वक्त सी के ऊपर के सा के बाद सारे ग म म तक अगर आपका लगता है सुर, तो आप मैं कह सकता हूँ कि आप उस स्केल में कंफर्टेबल हो। और सी सी जो है नीचे का सी जो कि आपका सा है, उससे चार सुर अगर आप नीचे जा पाते हो तो मैं कहता हूँ कि आप कंफर्टेबल हो उस स्केल में, सी मेजर स्केल में। तो अगर आपने ये मास्टर कर लिया है, आप पहले तो आपको ये मास्टर करना है, और मुझे नहीं लगता कि आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल बात होगी अगर आप सी पर रियाज कर रहे हो तो ऊपर का म लगाना। और मैं यहाँ पर लड़कों की बात कर रहा हूँ, अगर आप लड़की है तो सी की जगह आप डी शार्प या डी कंसिडर कर सकते हैं नीचे वाला, तो अगर आप इतने सुर लगा लेते हो तो काफ़ी है। तो आपको अगर आपको अपना रेंज ऊपर लेके जाना है तो जो है आप हाफ स्केल ऊपर जाओ, मतलब सी से सी शार्प पर जाओ और उस पर रियाज करना शुरू करो। जो भी आप रियाज कर रहे हो, जो पलटों का रियाज होता है, अलंकारों का रियाज होता है, या फिर आप रागों का रियाज कर रहे हो, सी शार्प पे करो, फिर सी शार्प पे ऊपर का जो सी शार्प है उसके बाद जो म लगता है, पहले तो आपका लगेगा नहीं वो म, लगता है तो वेरी गुड, लेकिन पहले आपका लगेगा नहीं, तो आपको जो है धीरे धीरे करना है वो, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं देना गले पे, पतली आवाज़ में गाना है, जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे पतली आवाज़ में गाना है। जैसे हारमोनियम को भी अगर आप देखोगे या फिर गिटार कोई भी इंस्ट्रूमेंट देखोगे, जैसे जैसे वो ऊपर जाता है पतली आवाज़ में गाता जाता है, तो आपको ऊपर जो है पतली आवाज़ में गाना चाहिए, सारे गा मा पा, तो आवाज़ को पतली करके गाना है। बहुत ज़्यादा आप अगर आपके सुर नहीं लग रहे हैं
तो और फिर भी आप कोशिश कर रहे हो, जबरदस्ती गाने की कोशिश कर रहे हो, तो जो है आपके गले पर स्ट्रेस पड़ेगा और आपकी आवाज़ जो है ख़राब होती जाएगी। तो आपको पतले आवाज़ में पहले गाना है, थोड़ा बहुत आप फॉल्सेटो की भी हेल्प ले सकते हो, तो लेकिन धीरे धीरे जो है आप जैसे जैसे अगर आपने सी शार्प पर रियाज करना शुरू किया है तो कुछ हफ्तों में, एक दो दिन में नहीं होगा, कुछ हफ्तों में जो है आप कंफर्टेबली लगा पाओगे उस सुर को, जो वो ऊपर वाला सुर है, जो उसका म है, उसको आप कंफर्टेबली लगा पाओगे। तो अगर आप सी शार्प पे गा रहे हो और ऊपर की म तक जा रहे हो, तो ये दिस इज इनफ एक सिंगर बनने के लिए, एक ये इनफ है। और बहुत सारे सॉन्ग्स आप जो है अच्छे से गा सकते हो, लेकिन फिर भी अगर आप बढ़ाना चाहते हो, तो जैसे कि मैंने पहले बताया, आप सी से सी शार्प पर गए, अब सी शार्प से अगले सुर पर जाइए, डी पर जाइए, तो वहां पे लगाने की कोशिश करिए ऊपर के सुर। और रियाज जो है, अब जैसे कि मैंने बताया, सी सी पे जो रियाज कर रहे हो आप, वहाँ भी वही पलटो का रियाज करना है, और नीचे से ऊपर जाना है, ऊपर से नीचे आना है। सारे गा रे गा मा गा मा पा मा पा धा पा धनी धनी सा नी धनी धा पा धा पा मा पा मा गा मा गा रे गा रे सा। यहाँ पर मैं सिर्फ सा तक गया, आप म तक जा सकते हो। सारे गा मा रे गा मा पा गा मा पा धा मा पा धनी पा धनी सा धा नी धा पा नी धा पा मा धा पा मा गा। ये जो है पलटो का रियाज जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इसके जो ट्यूटोरियल्स हैं आपको यूट्यूब पे हर जगह मिल जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि मैं बनाऊं, तो आप मुझे बताइए, मैं कोशिश करूंगा ये बनाने की, इन पर जो है ट्यूटोरियल जो है बनाने की, क्योंकि आप जो रियाज करते हो इन्हीं पर कीजिएगा और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा आपके गायकी के लिए। जैसे 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 आप जिम में जाते हो और बॉडी बनाते हो, मसल्स की एक्सरसाइज करते हो, वैसे ये पलटू का रियाज जो है गले की एक्सरसाइज होती है। पहले आप सरगम का रियाज करते हो, फिर आकार में उसको रियाज करते हो। तो ये जो रियाज है उसकी मैं बात कर रहा हूँ कि पहले आप सी पर करिए, इस पर आप पूरा कंफर्टेबल हो जाओ, फिर सी शार्प पर करिए, उस पर कंफर्टेबल हो जाओ, फिर डी पर करिए, उस पर कंफर्टेबल हो जाओ, फिर अगर आपको और ज़्यादा ऊपर जाना है तो आप डी शार्प पर जा सकते हो। अगर आपका स्केल पहले सी था तो डी शार्प पर अगर आप जा सकते हो। अगर आप डी शार्प पे जाके अगर आप ऊपर पे ग भी लगाते हो, ग म म तक जाते हो, तो दिस इज इनफ, नथिंग इज बेटर देन दैट। तो ये बहुत बहुत ज़्यादा रेंज हो जाता है ये, अगर आप कोई भी गाना गा सकते हो तो ये इनफ है। तो यही मेरी एडवाइस है कि आप जब रियाज करते हो तो ये नहीं कि आप सी सी आपका रेंज है और आप बहुत ज़्यादा ऊपर के सुर लगाने की कोशिश करोगे तो आपका गला जो है ख़राब होता जाएगा। तो ये धीरे धीरे जो है पहले सी पर रियाज कीजिए, फिर सी शार्प पर कीजिए, फिर डी पर कीजिए, और ये नहीं कि आज सी पर किया तो कल सी शार्प पे, परसों डी पे, ऐसे नहीं बात कर रहा हूँ मैं। पहले सी को पूरा मास्टर कीजिए, ठीक से लगाइए सी वाले सुर, फिर सी शार्प पर जाइए, फिर उस पर रियाज कीजिए, उस पर कुछ हफ्ते रियाज कीजिए, महीना रियाज कीजिए, 1.5 महीना 2 महीने उस पर रियाज कीजिए, पूरा मास्टर कर लीजिए, चाहे तो 4-5 महीने लीजिए, फिर अगले सुर पर जाइए। तो ये जो है सुर बढ़ना भी जो है, ये आपकी रेंज बढ़ना जो है, स्केल बढ़ना भी जो है, अब बहुत स्लो एंड स्टेडी प्रोसेस होता है। तो धीरे धीरे जो है आपका गला इसमें अडेप्ट होता चला जाएगा। तो ये जो यही एक तरीका है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा रियाज कीजिए, धीरे धीरे जो है अपना स्केल बढ़ाइए, तो आप जो है अच्छे से गा पाएंगे। धीरे धीरे जो है उस सुर में जो है आप कंफर्टेबल होना जो है आपके लिए शुरू होता जाएगा। तो अगर आप डी शार्प पे गा रहे हो और ऊपर का म तक आप जा रहे हो, तो दिस इज़ वेल एंड गुड, दिस इज़ इनफ आई वुड से। फिर भी अगर आप और ऊपर जाना चाहते हो तो आप ट्राई कर सकते हो। तो यही एक तरीका है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको हेल्पफुल लगा मेरा यह वीडियो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच मेरा ये वीडियो देखने के लिए। ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, ऐसे ही लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और शेयर करते रहिए अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू सो मच मेरा ये वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।